हमारे साथ अप टू डेट रहने के लिए सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इस सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर, और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी दबाना ना भूले सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से वेलकम करता हूं, और इस वीडियो में आप जानेंगे कि उबर कैब यानी उबर टैक्सी कैसे बुक करते हैं। काफी लोगों को तो पता होगा कि उबर कैब कैसे बुक करते हैं मोबाइल से, और जिन लोगों को नहीं पता कि उबर कैब मोबाइल से कैसे बुक करते हैं तो ये वीडियो उनके काफी काम आएगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप मोबाइल से घर बैठे ऑफिस से या फिर कहीं से भी उबर कैब टैक्सी बुक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि उबर कैब एक मोबाइल ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस है। उबर कैब को आप अपने मोबाइल से ही बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको आपके मोबाइल के प्ले स्टोर से उबर कैब की एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंस्टॉल करनी होगी, और ये वीडियो पूरी देखने के बाद आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा कि उबर कैब कैसे बुक करते हैं और कैसे उबर कैब का पेमेंट करते हैं, और उबर कैब पुल और उबर गो क्या है, और कैसे उबर कैब का आप बिल यानी कि इनवॉइस डाउनलोड कर सकते हैं। तो पूरी डिटेल उबर कैब के बारे में इस वीडियो में मिलेगी आपको, तो लास्ट तक ये वीडियो देखते रहिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, अगर कुछ डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में जाके हमसे पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड सर्कल में, ताकि जिन लोगों को पता नहीं कि कैसे बुक करते हैं मोबाइल से उबर कैब, तो उनको भी पता चल जाए और वो भी इसका फायदा ले सकते हैं। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले फ्रेंड एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के ठीक नीचे कुछ इस तरह का सब्सक्राइब का बटन है, उसको प्रेस कर लीजिए, और उसको जब प्रेस करेंगे उसके साथ साथ एक बेल आइकन आएगा कुछ इस तरह का, उस बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और वो वीडियो आप आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि इस तरह की हेल्पफुल वीडियो हम आपके लिए आगे लाते रहेंगे। तो चलिए अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि कैसे उबर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके मोबाइल में कैसे आप उबर टैक्सी उबर कैब बुक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में जाना है। मोबाइल में आपको एक प्ले स्टोर का ऑप्शन मिलेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्ले स्टोर पे गूगल प्ले स्टोर को ओपन करना है, और वहाँ पे सर्च बार में आपको टाइप करना है उबर UBER। जैसे सर्च करेंगे तो दो ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे, उबर एप्लीकेशन आ जाएगी, तो यहाँ पे इंस्टॉल और मोर इन्फो, तो मोर इन्फो पे चेक करके आप इसकी रेटिंग और कितने लोगों ने अभी तक इसको डाउनलोड किया है वो सब देख सकते हैं, और क्या लोगों के कमेंट हैं रिव्यू हैं वो भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, और जब इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा उस ये एप्लीकेशन इंस्टॉल होने में, तो बाकी डिपेंड करता है आपके मोबाइल के नेटवर्क पे। तो ये देखिए इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है और ऑलमोस्ट ये कम्प्लीट हो गया है, और इसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे बुक करते हैं। तो इसके बाद ये देखिए ओपन का ऑप्शन आ रहा है, तो आप इसको यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज आपके मोबाइल की जो स्क्रीन है उस पर भी एक एप्लीकेशन का शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा, वहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। जब इसको ओपन करेंगे तो इसका होम पेज कुछ इस तरह से होगा, और आपसे परमिशन मांगेगा, तो अलाउ कर दीजिए। अलाउ करने के बाद इसका जो होम पेज है कुछ इस तरह से आएगा, और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दीजिए। उसके बाद आप जब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपसे पासवर्ड मांगेगा, अगर ऑलरेडी पासवर्ड है आपके पास तो डाल दीजिए, अकाउंट क्रिएट है तो डाल दीजिए पासवर्ड, अगर पासवर्ड भूल गए तो नीचे जाके रिट्रीव भी कर सकते हैं, और अकाउंट नहीं है उबर पे तो आप नीचे जाके क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जब नेक्स्ट करेंगे तो वेरीफाई करने के बाद ये लॉगिन हो जाएगा, और लॉगिन होने के बाद इसकी होम पेज कुछ इस तरह से आएगा, और लेफ्ट साइड में देखिए तीन है सेटिंग का सा ऑप्शन है, वहाँ पर जाके काफ़ी ऑप्शन मिल जाएंगे, पेमेंट, योर ट्रिप, फ्री राइड्स। तो पेमेंट पे जाके आप चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको पेमेंट ऑप्शन दिखा देगा कि कैसे आपको पेमेंट करनी है, अगर कैश करना चाहते हैं तो कैश सेलेक्ट कर लीजिए, पेटीएम के थ्रू करना चाहते हैं तो पेटीएम सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद राइड में जाएंगे तो राइड दिखा देगा कि क्या क्या राइड थी लास्ट आपकी बुक हुई थी उसको। फ्री राइड्स पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपके कोड जनरेट हुआ रहेगा, वो शेयर करके आप कुछ डिस्काउंट ले सकते हैं, जैसे 50-60 रुपये का डिस्काउंट ले सकते हैं। तो अब मैं बता देता हूँ कैसे बुक करते हैं। वेयर टू पे जाइए, वेयर टू पे आपको चेक करना है, और जब जैसे चेक करेंगे तो आपकी जो लोकेशन है करंट वो ऑटोमेटिक ले लेगा, और कहाँ जाना है वो आपको एड्रेस डालना है। तो यहाँ पे जैसे ही आप वो एड्रेस डालेंगे तो उसके बाद वेरीफाई करने के बाद उस एड्रेस को और उसके और आपके पास प्राइस डिटेल आ जाएगी, और यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे पुल और गो। पुल में प्राइस थोड़ा सा कम रहता है, गो में थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, क्योंकि पुल में और भी बाकी लोग भी जाते हैं साथ में, और गो में केवल आप ही अकेले जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो भी राइड बुक करना चाहते हैं, पुल अगर करना चाहते हैं तो पुल में पुल सेलेक्ट कर लीजिए, और अगर गो में चाहते हैं तो गो सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं अभी पुल पे कर लेता हूँ, और पुल पे कंफर्म पुल कर देता हूँ, और कंफर्म पुल पे जब जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपसे छोटी सी एक डिटेल और मांगेगा, और आपको फेयर भी दिखा रहा है यहाँ पे देखिए काफ़ी, और उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे दिखा देगा कि यहाँ से आपका पिकअप होगा, तो कंफर्म पिकअप पे आप दोबारा से आपको चेक करना है, और जैसे करेंगे तो उसके बाद आपसे पूछेगा कि कितने लोग हैं आपके साथ, तो आप एक कर दीजिए, अगर दो कर देंगे तो आपसे 10-15 रुपये एक्स्ट्रा लिए जाएंगे। और जैसे एक पे सेलेक्ट करके कंफर्म करेंगे तो आपके सामने
कुछ सेकंड के बाद ड्राइवर की डिटेल आ जाएगी और बता देगा कि आपका ड्राइवर और आपकी जो कैब आपने बुक करी है वो अभी कहाँ पर है। तो उसको जूम इन और जूम आउट करके भी देख सकते हैं पूरी अच्छी तरह से। और उसके बाद जैसे मोबाइल की स्क्रीन को आप उबर की एप्लीकेशन को थोड़ा सा ऊपर खिसकाएंगे तो आपके सामने एक कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आएगा। तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट पे जाके उस ड्राइवर को आप कॉल भी कर सकते हैं। तो देखिए आप कैब आ गई है और जैसे कैब आपके पास आएगी आप उसमें बैठेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा ऑन ट्रिप का ऑप्शन। तो अब आपकी ट्रिप स्टार्ट हो गई है और यहाँ पे देखिए आप दिखा देगा कि आप अगर पुल बुक करके जा रहे हैं आपके साथ कोई और भी है तो वो उसका कहाँ ड्रॉप होगा उसका नाम भी दिखा देगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है दे रखा है इन्होंने यहाँ पे कि आपके साथ कौन जा रहा है उसका कहाँ ड्रॉप होगा, ये सारी डिटेल इसमें दिख जाएगी आपको। तो यहाँ पे आपको जो रास्ता है वे है वो यहाँ पे दिखा रहा है कि कहाँ आपका ड्रॉप होगा और कितने ऑलमोस्ट टाइम भी दिखा देता है कि कितने टाइम पे आपका यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए ट्रिप एंड हो जाने के बाद तो यहाँ पे आप ये क्लियर हो जाएगा वे पूरा। उसके बाद आपको ड्राइवर की रेटिंग देनी होगी तो यहाँ पे ड्राइवर की रेटिंग दे सकते हैं 5 स्टार 3 स्टार 2 स्टार जो भी है। उसके बाद आप दोबारा से सेटिंग ऑप्शन में जाएंगे और वहाँ पे जाके योर ट्रिप पे जब चेक करेंगे तो पास्ट में देखिए करंट आपकी जो ट्रिप है वो आ जाएगी। और वहाँ पे जाके अगर बैग भूल गए हैं या कुछ आपसे ज़्यादा चार्ज लिया है तो उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हेल्प का ऑप्शन है, काफ़ी ऑप्शन आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ से रिफंड भी ले सकते हैं, कुछ कंप्लेंट करनी है तो वो कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा रिसिप्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे जाके आप इनवॉइस देख सकते हैं कि कितना आपका चार्ज लगा कितना टैक्स लगा। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तक के लिए।